हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं प्राण सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। कक्षा 10 का है ये। इसमें हम लोग पिछले वीडियो तक हम लोग देख चुके थे अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनने के तरीके कौन से थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। जब वस्तु सी पर हो, मतलब अवतल दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण कल जैसे बताए थे अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बनाने के लिए तो ये बनाए अवतल दर्पण। यहाँ पे पी, यहाँ पे एफ और यहाँ पे सी, मतलब ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। तो अब बोल रहा है कि जब वस्तु सी पर हो, अगर वस्तु सी पर ही हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु सी पे रहता है तो प्रतिबिंब, हम लोग को बोले थे कल हम लोग दो प्रकार से प्रकाश किरण को गुजारेंगे। पहला, इसके मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण ले जाएंगे तो ये इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। और दूसरा, अगर हम लोग फोकस से गुजारते हैं प्रकाश किरण को, इस फोकस से होकर गुजारेंगे तो ये क्या होगा, ये इसके समानांतर निकल जाएगा। तो मतलब एक था मुख अक्ष के समानांतर गया और ये फोकस से होकर गुजरा। दूसरा, हम लोग जब फोकस से गुजारे प्रकाश किरण को तो ये परावर्तित होकर मुख अक्ष के समानांतर निकल गया। तो इसका जहां पे बन रहा है ये वाला सीधा लाइन थोड़ा सा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, और ये वाला कुछ इस प्रकार से होगा सीधा करने पे। तो इसमें क्या होता है, ये सी पे ही बनता है, इसकी परछाई जो बनेगी, प्रतिबिंब जो बनता है वो सी पे ही बनता है। इसको हम लोग ए नाम रखेंगे, इसको बी, तो ये ए डैश हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बी डैश, तो ये हो जाएगा बी डैश। तो ए बी, ए डैश बी डैश, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो सी पर ही बन रहा है। तो इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब सी पर बनता है। दूसरा लिखेंगे कैसा बनता है, तो ये वस्तु के समान बनता है, जितनी वस्तु की ऊंचाई थी से उसी ऊंचाई पर उसी आकार का बनता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ वस्तु का आकार के समान बनता है, जितना बड़ा वस्तु था उसी आकार उसी समान का बनता है। तीसरा कि ये कैसा बनेगा, तो अवतल दर्पण है तो अवतल में क्या बनता है, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो लिखेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है, तो इसका हो गया। अब है चौथा नंबर का प्रतिबिंब है, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच है, मतलब यहाँ पे है वस्तु सी और एफ के बीच में वस्तु है। अब हम लोग पहला, सबसे पहले मुख अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो ये कहां से होके, एफ से होकर गुजरेगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एक सी से होकर गुजारेंगे, तो सी से होकर गुजारते हैं तो यहां से उसको गुजार लेते हैं, ये गुजारते हैं कुछ इस प्रकार से गुजरेगा, थोड़ा सा ये ज्यादा लेंस थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसको इधर कर देते हैं दर्पण को, तो इसको अगर गुजारते हैं तो ये गुजरेगा कुछ इस प्रकार से, ये वाला है इस तरह से, इस तरह से गुजरेगा। तो ये गुजरा कुछ इस प्रकार से, तो ये वाला था इधर, ये वाला हो गया इधर, प्रकाश किरण हो गया, ये जिस दिशा से गई थी उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो ये नीचे सी से परे बनता है, बड़ा बनेगा वस्तु, जितना बड़ा है जिससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब, इसको यदि हम इधर से बड़ा कर दे मुख्यक्ष को और इसको बनाए तो ये कहीं बाहर में बहुत बड़ा बनता है, ये वस्तु के आकार से अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखेंगे कि प्रतिबिंब सी से पीछे बन रहा है, ये कहीं बनेगा, इसको और बड़ा कर देंगे यहाँ तो ये कहीं बहुत बड़ा बनेगा, तो सी से परे बन रहा है, तो प्रतिबिंब सी से परे बनता है। दूसरा इसमें लिखेंगे कि इसका आकार कैसा होगा, ये वस्तु का आकार है, ये ए और बी है,
तो वस्तु का आकार इतना है तो ये यहाँ लगभग इतना बड़ा बनेगा, तो ये वस्तु के आकार से अत्यधिक बड़ा बनता है। वस्तु के आकार से अत्यधिक बड़ा बनता है। और ये भी कैसा बनेगा, अवतल दर्पण है तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब है जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर रहता है तो यहां पे बनाते हैं वस्तु को F पर, ये हुआ गया F, ये हो गया C। अब वस्तु को हम लोग F पे बना रहे हैं तो इसको कुछ इस तरह से कर देंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा मिलके, ये लगभग इतना बड़ा हो जा रहा है। इसको A डैश, इसको B डैश नाम दे देते हैं, तो ये वस्तु के आकार से अत्यधिक बड़ा बन रहा है। अब वस्तु F पर है, वस्तु यहाँ पर है, अब हम इसमें से प्रकाश किरण गुजारेंगे तो एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा और ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो एक दूसरा हम लोग करेंगे, यहां से सी से होकर गुजारेंगे वस्तु को, एक वस्तु को सी से होकर गुजारें तो अगर हम वस्तु को एफ पर रखते हैं तो सी से परे बन रहा है और ये अनंत पर कहीं बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो दूरी जो होता है एक दूसरे से बहुत पास बहुत पीछे में जाके होगा, सामने से देखने से लगेगा कि समानांतर किरण और कभी मिलेगा नहीं, लेकिन इसको पीछे की ओर जब बढ़ाते चले जाएंगे तो काफी अनंत के आसपास के जाकर ये वस्तु मिलेगा, तो ये भी क्या होगा अत्यधिक बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वस्तु जब प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब सी से परे बनता है, दूसरा पॉइंट में वस्तु के आकार से अत्यधिक बड़ा बनेगा ये बनता है, और तीसरा वास्तविक ही बनेगा, दूर में कहीं बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद आता है जब वस्तु P तथा F के बीच में हो, तो यहाँ पे है ये, अब वस्तु को रखते हैं P तथा F के बीच में, तो ये है P, ये है F, ये है C, वस्तु और P और F के बीच में है, यहाँ पर है वस्तु। तो पहला जो है कि हम लोग इसको निकालेंगे प्रकाश किरण को इसके समाप्त अप की, और यहां से परावर्तित होकर ये बाहर की ओर जाएगा। अब हम लोग इसको P से दूसरा जो केंद्र करेंगे वो P से होकर गुजारेंगे और इसको यहां से निकालेंगे, मतलब यहां पे हमको ध्यान देगा कि प्रकाश किरण जो था यहाँ पे जो एंगल जो बनता है ये लंबवत अभिलंब लंब पे जो अभिलंब यहाँ से खींचते हैं तो इसकी जो दूरी होती है इसकी दूरी सेम होती है, तो ये एंगल बनाते हुए अभिलंब बना अभिलंब का खींचा गया लंब की तरह ये काम करता है। अब ये प्रतिबिंब को इसको बनाने के लिए हम इसमें से अवतल दर्पण का एक नियम यहाँ पे एक तो अलग हो जाता है कि हम इसको क्या करेंगे पीछे की ओर ले जाएंगे डॉट डॉट करके, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके इसको आपस में ये करेंगे, तो प्रतिबिंब जो यहाँ पे एक अपवाद के रूप में बोल सकते हैं चाहे नियम के थोड़ा सा अलग बन रहा है ये, कि नियम बोलता है कि वास्तव अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, जबकि इस जब पी और एफ के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब जो बनता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और ये कैसा है, वस्तु का हाइट ये है तो इसका हाइट ज्यादा है, तो ये वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। और तीसरा अभी तक हम लोग देखे थे वास्तविक और उल्टा बनता है, अब ये वस्तु के पीछे बन रहा है तो ये आभासी बनेगा
और कैसा है ये, ऊपर ए भी है तो ए डैश बी डैश आभासी और सीधा बनता है, सीधा बनता है। तो ये था प्रतिबिंब की विभिन्न स्थिति। अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, हम इस दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करके देखेंगे। तो इसका जो दर्पण का जो उपयोग होता है, वो दर्पण का उपयोग हम लोग इस रूप में देखते हैं कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ताकि उसके जो दांत में लगे कीड़े मकोड़े उसको दिखाई दे। तीसरा, दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में करते हैं और सौर भट्टियों में हम लोग इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आई होप आपको इतने सारी चीजें बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे, या फिर अपने कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।